In this video, we will look at different environmental challenges which are faced by a company whenever it decided to grow its business via operations into the global environment. जब भी कोई फर्म ये डिसाइड करती है, कंपनी को डिसाइड करती है कि उसने ग्लोबल मार्केट में अपने ऑपरेशंस स्टार्ट करने हैं, तो उसको बहुत सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बिजनेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जिनमें से चंद जो हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आप तमाम व्यूवर्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, उनके लिए जो इस प्रस्पेक्टिव के साथ देख रहे हैं कि वट आर द ग्लोबल पोलिटिकल एस्पेक्ट्स, वट आर द बिजनेस एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, वट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर अ फर्म वेन एवर दे वॉन्ट टू स्टार्ट देयर ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वेंचर्स आर ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चैलेंज फेस करना पड़ता है, सपोज आप एक किसी भी फर्म के मैनेजर हैं, आपने आपको वो जो आपकी पेरेंट कंपनी है वो आपको ये टास्क देती है कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाके इस कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनको हेड करें, इनको रन करें, उनकी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो उठाएं। तो आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं, ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा, जिनके बारे में आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी, इस बारे में आपको इस वीडियो में हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होगा किसी भी एक फर्म या कंपनी के लिए जिसने ग्लोबल एनवायरनमेंट में जाना है, उसको पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हो रहे हैं, चेंजेस हो रही हैं, उसमें बहुत सारी जो है वो न्यू इनोवेशन हो रही हैं, उसमें न्यू जो चीज़ें वो सिस्टम में जो है वो पेनिट्रेट कर रही हैं, और साथ साथ आपकी जो लीगल एनवायरनमेंट है वो भी जो आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हो रही है। हर जगह, हर इलाके, हर मुल्क की एक अपनी जो है वो लीगल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके रूल्स एंड लॉज होते हैं, उसके रेगुलेशंस होते हैं, और आपने जहाँ भी जिस जगह जाएंगे तो आपने उन रूल्स एंड लॉ एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करना होता है। तो लीगल एनवायरनमेंट में जिस चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट ख्याल आपने ये करना है कि सबसे पहले आपको नो होनी चाहिए कि उस जिस जगह आपकी जो टारगेट ऑपरेशन जहाँ पे आप करने जा रहे हैं, जहाँ पे अपनी टारगेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेट करना चाह रहे हैं, टारगेट प्लेस जो है उस वहाँ कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो प्रिवेल कर रहा है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी प्रिवेल कर रही है, ठीक है, ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, आपको कौन सी ऐसी सिस्टम जो है वो प्रिवेल कर रहा है वहाँ पर। जब आप पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम जो हैं वो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में, उन पॉलिटिकल सिस्टम्स को आपने जो है कितने बेहतरीन तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंगली आप जो है वो मेजरमेंट्स करते हैं, अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आप जो है वो उनको जितने बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप वहाँ पे सक्सेसफुली अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। हम अगर पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में ब्रीफ सा ओवरव्यू करें तो हम जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त 6-7 मेजर पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं। पहला जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम कह सकते हैं मोनार्की। मोनार्की एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसका वन लाइनर यह है कि वो किसी किंग और क्वीन से जो मैनेजमेंट हो रही है किसी इलाके, मुल्क, कंट्री की, उसको मोनार्की कहते हैं। कोई एक बंदा रिस्पांसिबल होता है जो कि किंग होता है या क्वीन होता है उस जगह का, और वो जो है उसकी तमाम मालिक कुल होता है, वहाँ की चीज़ों की रिस्पांसिबिलिटी उसकी होती है। दूसरा एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके पास जो सेकंड है, दैट इज़ ऑटोक्रेसी, जब वो आप किसी एक खास स्पेसिफिक पर्सन जो है उसको मैनेज कर रहा होता है, कोई एक बंदा उसको मैनेज कर रहा तो उसका रिस्पांसिबल होता है, उसका मालिक कुल होता है, उसके सफ़ेद और स्याह का मालिक होता है, उसको आप जो है ऑटोक्रेसी कह रहे हैं। फिर आपके पास अरिस्टोक्रेसी है। अरिस्टोक्रेसी की अगर वन लाइनर में हम एक्सप्लेन करें तो इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय ऐसे लोगों की गवर्नमेंट होती है जो वहाँ के उमरा होते हैं, जो वहाँ के शुरफा होते हैं, जो वहाँ के की मेंबर्स होते हैं, जो आप इसको लिंक कर सकते हैं मर्केंटलिज्म के साथ। मर्केंटलिज्म एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक सिस्टम ओल्ड टाइम में प्रिवेल कर रहा था दुनिया में
कि जहाँ पे किसी भी इलाके, किसी भी रियासत, किसी भी मुल्क के जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, जिनमें टीचर्स, फिलासफर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लायर्स, तमाम वो लोग और वो मिलके उस इलाके को, उस वहाँ पे गवर्नमेंट, वहाँ पे जो पॉलिटिकल सेटअप है, वहाँ पे जो इकोनॉमिक सेटअप है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पे जो बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, उनके जो आंसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उन लोगों के हाथों में होती है। तो इसको, एरिस्टोक्रेसी को आप जो है मर्केंटलिज्म के साथ लिंक कर सकते हैं, इसके वेरी क्लोज कंसिडर की जा सकती है। फोर्थ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो आपको पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा है दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शायद अभी यहीं पे हो या पहले पिछले ज़मानों में रहा हो, ओलिग्रेसी, वो क्या है, जब आपके गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है, जो वहाँ के जो जो वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो चंद लोगों के हाथों में होता है, ठीक है, वो इसको आप जो है फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम के साथ आप जो लिंक कर सकते हैं। आपको फ्यूडलिज्म में आप वहाँ पे चंद एक जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते हैं, लैंड होल्डर्स होते हैं, वो वहाँ के उस सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप ओलिग्रेसी को उसके साथ लिंक कर सकते हैं उसका। देन फिर अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, इट इज़ अ सेट ऑफ गवर्नमेंट, इज इट इज़ अ सेटअप ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच इट इज़ रन बाय द ऑफिशियल्स, ठीक है, चंद जो उसके जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उसकी जो ब्यूरोक्रेसी, उसकी जो मशीनरी है जिसके थ्रू वो रन होता है, अगर वो ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू रन हुआ तो उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। फिर आपके पास आ जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है, जो वो इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ जो है रन बाई द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। डेमोक्रेसी की एक बड़ी फेमस डिफिनीशन है। तो लोगों के ज़रिए, लोगों की जो हुकूमत होती है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। और लास्ट जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू मी जो प्रिवेल करता रहा है दुनिया में, वो था कि जो आपके पास प्लेटोक्रेसी, वो क्या था कि आपके जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो चंद अमीर लोगों के हाथों में होता था, वो जो रिच पर्सन होते थे वो फिर अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम्स को बनाते थे, उसको चलाने की कोशिश करते थे। तो जब एक बिजनेसमैन, आपका एक जो मैनेजर है, वो किसी बिजनेस को ग्लोबल एनवायरनमेंट में लेकर जाएगा, तो उसको ये जो 6-7 पॉलिटिकल सिस्टम जो मैंने डिस्कस किए हैं, इसके साथ फेमिलियर होना उसको ज़रूरी होगा, क्योंकि इन 6-7 पॉलिटिकल सिस्टम, एक पूरे एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इनके अपने मैकेनिज्म होंगे, इनकी अपनी वर्किंग कैपेसिटी होगी, इनके अपने रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, इनके अपनी जो है वो प्रोसेसिंग होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, तो इनके साथ भी अवेयर होना, वेल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी जो आपके जो डिफरेंसेस इन लॉज इन वेरियस नेशंस के, उस मैनेजमेंट मैनेजर्स को या आपकी मैनेजमेंट को, जिसको आप जो है वो ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि उस मुल्क में जाके बिजनेस ऑपरेशंस को रन करें, तो वहाँ से उसको भी उनके आपके अपने जो नेटिव कंट्री से उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिफर कर रहे हैं, उसके साथ में उनको वेल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन रूल्स एंड उनके रूल्स एंड रेगुलेशन का आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ पर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, और वो आपकी प्रोडक्शन, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी डिलीवरी, आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स, आपकी परचेज, आपकी तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करेगा, उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड जो जो उस वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट में आपके मैनेजर्स को इकोनॉमिक सिस्टम्स के साथ जो है वो वेल अवेयर होना चाहिए। आपके बेसिकली आपके मेजरली दो इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल करते हैं दुनिया में, एक मार्केट इकॉनमी है, एक कमांड इकॉनमी है। मार्केट इकॉनमी में जो रिसोर्सेज होते हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, वो सारे के सारे आपके प्राइवेट सेक्टर से इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं, और वो जो है उसको अपनी अकॉर्डिंगली, अपनी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो फुलफिल कर रहे होते हैं। देन फिर कमांड इकानमी है, जो जो कमांड इकानमी है वहाँ पे जो जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं, और कमांड इकानमी को आप जो है वो सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं, और मार्केट इकानमी को आप कैपिटलिज्म के नाम से भी जानते हैं। और फिर इकोनॉमिक तीसरा जो सिस्टम है, मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम है, कि कुछ जगहों पे कुछ सेक्टर्स में मार्केट इकॉनमी हो, कुछ सेक्टर्स में कुछ जगहों पे कमांड इकॉनमी हो, तो ज़्यादा आजकल की दुनिया में जो सिस्टम प्रिवेल करता है वो मार्केट, जो मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। देन फिर वहाँ पे जो थर्ड जो चीज़ इफेक्ट करती है वो है फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी फैक्टर्स।
आपके मैनेजर को वहाँ की जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे जो मॉनेटरी परफॉर्मेंसेस हैं उस मुल्क की, उस एरिया की, उनसे भी अवेलेबल होना चाहिए कि उस मुल्क की करेंसी की क्या सिचुएशन है, अप्रिसिएशन हो रही है या डिप्रिसिएशन हो रही है, एक्सचेंज रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, टैक्सेस का कौन सा सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। टैक्सेस में आपके पास तीन प्रिंसिपल्स होते हैं टैक्स को मॉनिटर करने के, वहाँ पे कैलकुलेट करने के, या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है या रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है या प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होती है। तो उससे आपको वेल अवेयर होना पड़ता है, आपको वहाँ की मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को देखना पड़ता है, मार्केट में शॉर्टेज है, सरप्लस है, जितने भी तमाम इकोनॉमिक फिनोमेनाज हैं उनसे भी वेल अवेयर होना होता है, और उन पर भी आपको एक कंप्लीट आई वॉच रखनी पड़ती है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो देखना पड़ता है मैनेजर को, दैट इज़ कल्चरल इन्वायरमेंट, कि वहाँ के हर जगह, हर इलाके, हर एरिया के अपने नाम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, कल्चर्स होते हैं। अगर आप उन कंट्री के कल्चर, नाम्स, वैल्यू, ट्रेडिशंस को वैल्यूज़ देंगे, उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे, उनको आप जहन में रख के अगर अपने ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो है वो उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड करेंगे, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप वहाँ की जो नाम्स, ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यूज़ हैं, अगर आप उसको रोनते जाएंगे आगे, तो फिर आपको कोई फेलियर होने से नहीं बचा सकता आपको। और उसका जो वहाँ पे जो लोग होंगे उनकी ऑब्वियसली डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कल्चर से वहाँ पे सिस्टम, वो वहाँ पे आ रहे होंगे, आपके ऑब्वियसली मैनेजमेंट जो है, अगर आपकी अपनी है या मैनेजमेंट भी आपकी लोकल्स की है, आपको वर्किंग क्लास तो एटलीस्ट लोकल्स की चाहिए होगी। तो वहाँ के आपको उन लोगों के, अगर आप उनके कल्चर्स को, नाम्स के, ट्रेडिशंस को वैल्यूज़ देंगे, उनको आप रिस्पेक्ट देंगे, तो वो उस चीज़ से ज़्यादा खुश होंगे, वो आपकी आपकी कंपनी को ज़्यादा ओन करेंगे, उनकी लॉयल्टी आपकी कंपनी के साथ ज़्यादा होगी। जब उनकी लॉयल्टी आपकी कंपनी के साथ ज़्यादा होगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पे पड़ेगा, आपकी अर्निंग ज़्यादा होंगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद लास्ट थिंग जो एक इसके साथ एसोसिएटेड है, कि आपके जो आजकल की दुनिया में ग्लोबल मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, वो ये हैं कि आपकी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, और उसके उसी जगह साइमल्टेनियसली नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने आपकी दुनिया को बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया है, दुनिया बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हो गई है, इंटरेक्शन हो गई है। अब आपने उसके अंदर रहते हुए अपने आप को टफ कंपटीशन से भी बचाना है, आपने ओवर विद द फ्लो जाना है, आपने अगेंस्ट द फ्लो नहीं जाना, आपने ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर रहते हुए अपनी एक अलग पहचान, अपना नाम बरकरार रखना है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस को आपने वहाँ पे वैल्यू देनी है, कल्चरल डिफरेंसेस को आपने डिफ्रेंशिएट करना है, और उन कल्चरल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली आपने वर्क करना है। आप मुस्लिम कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ और कल्चर नज़र आएगा, आप हिंदू के कल्चर में जाएंगे, वहाँ पे और आपको सिस्टम नज़र आएगा, आप जो है क्रिश्चियन कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ पे आपको और सिस्टम नज़र आएगा। इसी तरह आप कॉन्टिनेंट्स में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कल्चर, नाम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ नज़र आएंगे, उनको आपने देखना है। फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप कल्चर के अकॉर्डिंगली, नाम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली, एरिया के अकॉर्डिंगली, डेमोग्राफी के लिहाज से, ज्योग्राफी के लिहाज से, आप अपनी लीडरशिप स्टाइल्स को, आप अपनी मैनेजमेंट स्टाइल को, आप अपनी वर्किंग स्टाइल को, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो आपने, और अपने जो है वो इख्तियार करनी है, सो देट कि आपको वो आपकी बिजनेस फंक्शंस में हेल्पफुल रहे। फिर जो आप लास्टली जो चीज़ एसोसिएटेड है ग्लोबल मार्केट में, जो रिस्क आपको फेस करने पड़ते हैं, एक तो आपको इन जो है वो अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिसेशंस हैं, डिप्रेशंस हैं, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी है, अनस्किल्ड लेबर है, उसके अलावा इन टेररिज्म है, उसके अलावा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसीज हैं, वहाँ पे डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं। फिर आपकी आउटडेटेड टेक्निक्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं, हर कंट्री की अपने जो है वो वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल कर रहे हैं। इसी के अलावा आपकी जो अनस्टेबिलिटी, एक जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट्स लो हैं, टैक्सेस ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, एक्सचेंज रेट वैल्यूएशन अप एंड डाउन रैपिडली हो रही है, तो ये जो चंद चैलेंजेस हैं, ये रिस्क हैं, ये आपको ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम में उनका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपकी फर्म, अगर आपकी बिजनेस, अगर आपका अदारा
ग्लोबली सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको ये जो इस वीडियो में हमने बातें की उन चीज़ों को मद्दनज़र रखना पड़ेगा सो दैट के वो इस अपने सिस्टम में इस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली जो है वो रन कर सके।